दोस्तों, फूड और रेस्टोरेंट के मामले में जो जीएसटी होता है वह रेस्टोरेंट और होटल के प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर लगाया जाता है। नॉन एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट के लिए जो सेवाएं प्रदान की जाती है उस पर 5% जीएसटी लगाया जाता है और एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट पर 18% जीएसटी लगता है। इसके अलावा आउटडोर सर्विस कैटरिंग पर भी 5%, जी हाँ दोस्तों, 5% जीएसटी की दर रखी गई है। दोस्तों, अगर आप एक कस्टमर हैं या खाद बिजनेस चलाने वाले बिजनेस मालिक हैं तो रेस्टोरेंट पर जीएसटी दर 5%, 12% और 18% रखी गई है, जिनका टर्नओवर वार्षिक 1.5 करोड़ रुपए तक है। छोटे रेस्टोरेंट वाले वह कंपोजिशन स्कीम को चुन सकते हैं। इसमें जीएसटी टैक्स से कम टैक्स का आप पेमेंट कर सकते हैं। आप 5% जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम में। ये फिक्स है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलता। आप रेगुलर स्कीम के अंतर्गत 12 और 18% टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसमें आप आईटीसी क्लेम भी कर पाएंगे। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल के अनुसार अगर आपके होटल का बिल 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम है तो आपसे 12% जीएसटी वसूला जाएगा। मतलब आपके होटल के रूम का किराया प्रतिदिन 7,500 रुपये से कम का आता है तो आपसे 12% जीएसटी वसूला जाएगा। वहीं पर दोस्तों, अगर हम देखें, अगर आपके होटल का किराया प्रतिदिन का 7,500 रुपये या उससे ज्यादा का है तो आपको 18% जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर हो और आपसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है तो ये जानकारी आपको मालिक को देनी चाहिए। कई होटल अपने कर्मचारियों को टिप राशि देने के लिए सर्विस चार्ज कस्टमर से वसूल करते हैं। हालांकि दोस्तों, इसका कोई भी कानूनी नियम नहीं है, लेकिन सरकार इससे मना भी नहीं करती है। सर्विस चार्ज की कीमत पूरी तरह से होटल या रेस्तरों पर निर्भर करती है। आमतौर पर अगर हम देखें तो ये 5 से 10% होती है। होटल या बिल में आया सर्विस चार्ज पूरी तरह से ग्राहकों पर निर्भर करता है। अगर ग्राहक सर्विस चार्ज देने से मना करते हैं तो होटल का मालिक उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर दोस्तों वो ऐसा करता है तो फिर ग्राहक बिल की कॉपी लेकर उपभोक्ता उपयोग में सूचना या शिकायत कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, आप इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।